तो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई कमाल धमाल की एडिटिंग वीडियो में। तो बस थंबनेल और टाइटल देखे आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ये वाला वीडियो किस पर होने वाला है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आज का ये वाला वीडियो किस चीज पर होने वाला है। तो गाइस, आज का ये वाला वीडियो कलरफुल टेक्स्ट पर होने वाला है। गाइस, अपने वीडियो पे जो हैंड राइटिंग्स होते हैं उसमें हम अलग अलग कलर कैसे ऐड करें, उसमें एनिमेशन वगैरह वगैरह कैसे ऐड करें, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। गाइस, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आप नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये एडिटिंग करने के लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ एक काइनमास्टर ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दियो भाई, क्योंकि इस तरीके के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो गाइस चलते हैं सीधे काइनमास्टर ऐप पर, वहीं पर अब सब कुछ होगा कैसे क्या करते हैं। चलते हैं सीधे काइनमास्टर ऐप पर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने काइनमास्टर ऐप पर, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना और आपको जो सा भी रेशियो जो है सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर 16 और 9 का जो रेशियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ जाना है बैकग्राउंड पे और एक जो है ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इसका लेंथ जो है बढ़ा देना, आपका जितना स्टेटस रहेगा उसको इतना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर आपको ऑडियो पे जाना है। गाइस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, पहले बैकग्राउंड उसके बाद ऑडियो। तो गाइस आपको जो है जो सा भी ऑडियो लेना है, ठीक है, आप ले लीजिए। जैसे कि मुझे ये वाला लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर गाइस प्लस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो म्यूजिक को अच्छे तरीके से सुन लेना है, ठीक है। म्यूजिक में क्या बोला जा रहा है, जैसे गाइस मेरा यहाँ पर म्यूजिक पे बोला जा रहा है मिल जाओ तुम, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे लेयर पे और यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर लिख देंगे मिल जाओ तुम, ठीक है, मिल। तो गाइस उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जाना है आपको ए पे जो है क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर हैंड राइटिंग पर क्लिक करना है और ये वाला जो है ले लेना है। अगर आपके कंप्यूटर पर ये नहीं है तो आप यहाँ पर जाना, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो गाइस अच्छे से देख लेना कौन सा आपको जो है राइटिंग पसंद है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपका इंटरनेट जो है ऑन होना चाहिए, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इधर लगा देंगे यहाँ पर साइड में। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम जाएंगे कलर पे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको जो है हरा कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हरा कलर क्यों सेलेक्ट करेंगे गाइस वो बाद में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना इन एनिमेशन पर और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस एनिमेशन में, वाइप राइट, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्पीड भी आप सेट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको जो है 1.5 पर रख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अब देख लेना है ये जो लिरिक्स है ये मिल जाओ तुम ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, आपको देख लेना है। तो बस ये लिरिक्स जो यहाँ पर ख़त्म होता है, तो यहाँ पर गाइस ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देना है, या कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है और सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। और गाइस यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना, फिर से उसी टेक्स्ट पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको चाबी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ जो है प्लस कर देना, ठीक है। प्लस करने के बाद गाइस इसको जो है थोड़ा सा सरकाना है इधर और यहाँ पर इतना बस कर देना, ठीक है। अब आपको राइट पर क्लिक कर देना है, फिर से गाइस आपको सुनना है कि जो आपका म्यूजिक क्या बोला जा रहा है अब आगे, ठीक है। तो गाइस सुन लेने के बाद आपको यहाँ जाना है लेयर पे और गाइस यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, मेरा बोला जा रहा है मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिल जाए। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जाना है फॉन्ट पे और गाइस इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। फिर से गाइस यहाँ जिसका कलर जो है हरा सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इन एनिमेशन पर जाके पिछले बार हम दिए थे राइट साइड, ठीक है, इस बार देंगे गाइस लेफ्ट साइड, ठीक है, वाइप लेफ्ट। अब इसका जो है स्पीड भी यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक कर देना है और ये वाला जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, वो करके साइड में यहाँ पर नीचे लगा देंगे। अब गाइस आपको देख लेना कि ये वाला जो लिरिक्स कहाँ पर ख़त्म हो रहा है उसी हिसाब से जो है आपको कट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर जाएंगे गाइस कैंची वाले ऑप्शन पर और सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर मेरा खत्म हो रहा है। उसके बाद गाइस आपको फिर से इसी पर क्लिक करना है और यहाँ चाबी वाला ऑप्शन पर जाना है और गाइस यहाँ पर आपको एक प्लस कर देना है और थोड़ा सा जो इसको लेफ्ट साइड सरका देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट जो लिरिक्स बोला जा रहा है वो है दुनिया, ठीक है। तो आपको यहीं से गाइस आपको जो है टाइप करना है, यहाँ पर जाना है लेयर पे जाना है और यहाँ पर गाइस सर्च कर देना है दुनिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप जाएंगे फॉन्ट पे और गाइस डिस्प्ले पे जाके जो ये वाला है इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। गाइस आपको पता है यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लेना है और गाइस यहाँ पर आपको राइट पे क्लिक कर देना है और गाइस यहाँ पर आपको जाना है कलर पे, इसका भी जो है हरा कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको जो है कुछ इस तरीके से बड़ा कर देंगे। और गाइस यहाँ पर जाएंगे इन एनिमेशन पे, नीचे की तरफ आएंगे गाइस सेल अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, जो इसको छोटा कर देना है,
म्यूजिक के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से गाइस आपको लिखते जाना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको म्यूजिक के हिसाब से देख लेना है कि क्या बोला जा रहा है म्यूजिक पे, उसको लिख देना है। उसके बाद गाइस आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा म्यूजिक के हिसाब से जो लिखते जाना है, ठीक है। तो गाइस मैं फटाफट से सारा का सारा जो है टेक्स्ट यहाँ पर भर दे रहा हूँ। बस मैंने यहाँ पर म्यूजिक के हिसाब से जो सब कुछ लिख दिया है, कलर वगैरह एनिमेशन जो भी होता है सब कुछ डाल दिया है। मैं यहाँ पर आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि जो मैंने किस तरीके से जो है एनिमेशन कलर वगैरह डाला है, ठीक है। कलर तो सेम ही है वो ग्रीन, एनिमेशन और जो है फॉन्ट कैसा डाला है आप एक बार देख लीजिए। पहले मैं यहाँ जो है इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो में जो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी शायद अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले साउंड को जो मैं फिर से ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ जो इसका ऑडियो फेड आउट है इसको ऑफ कर देना, ठीक है। ऑफ कर देते हैं यहाँ पर और इसको कर लेना है जो आपको एक्सपोर्ट, फुल एचडी में एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। गाइस अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। गाइस वीडियो ख़त्म होने वाला है और आप भूल जाएंगे लाइक और सब्सक्राइब करना, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना गाइज प्लीज़। तो बस मेरा वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आना बैक, पूरा काइन मास्टर से ही बैक आ जाना, ठीक है। आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और पिछले बार जो रेशियो आपने सेलेक्ट किया फिर से उसी वाले रेशियो को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जाना है मीडिया पे और गाइज यहाँ पर मैं जो एक इफेक्ट का लिंक दे दूँगा, ठीक है, ये वाला इफेक्ट, इसको जो डाउनलोड कर लेना है आपको। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको लेयर पर जाना है और मीडिया पर जाना है और अभी अभी जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ पर लेकर के आना है, ठीक है। तो गाइज इसको जो है यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर जो तीर वाला उस पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ आना है गाइज, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रोमा की और इसको जो ऑन कर देना है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि जो है ग्रीन ग्रीन में कलर क्यों रखना हो टेक्स्ट का, इसलिए जो क्रोमा की इसका यूज़ करने के लिए, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पर ऐड हो चुका है, देख सकते हैं गाइज बिल्कुल कलर कितना खतरनाक लग रहा है देखने में। और यहाँ से गाइज इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अच्छे तरीके से आपको, ठीक है गाइज एडजस्ट कर लेना। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो गाइज यहाँ से हो गया, इतना हो गया, आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। और गाइस फिर से उसी पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आना है आपको, यहाँ पर आपको कलर एडजस्टमेंट मिलेगा और यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड वाला है इसका बिल्कुल बढ़ा देना, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर जो है इस वीडियो के हिसाब से इस जो है इफेक्ट को भी मैं कट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर आपको फिर से सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, इसका ऑडियो फेडर ऑफ कर देना है, ठीक है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि जो है मेरा वीडियो कैसा बना है। मिल जाओ तुम मिल जाए दुनिया और ना कुछ चाहूं मैं। तो गाइस वीडियो काफी अमेजिंग धांसू फारू बनाया है। तो गाइस अब बारी है वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस यहां पर आपको शेयर पर क्लिक करना है और गाइस इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आपसे मिलेंगे किसी ऐसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।